हेलो फ्रेंड, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। देखिए, आज हम फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, आज ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है, तो बेशक आज इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में आज हम देखिए इतनी बातों को समझेंगे सिर्फ, जो मैं आपको ओरली आज बताऊंगा। सबसे आज क्या क्या टॉपिक को डिस्कस करना है कि जनरल डेफिनेशन क्या होता है फोर्स का, फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, साइंटिफिक कंसेप्ट क्या होता है फोर्स का, फोर्स स्केलर है या वेक्टर है, फोर्स के क्या यूनिट होते हैं, फोर्स को हम ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं जनरल डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि ए पुश और पुल इज कॉल्ड, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसी को हम क्या फोर्स करते हैं। और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या उस पर इफेक्ट होता है, फोर्स क्या क्या उसमें कर सकता है। अगर मान लीजिए हम किसी भी चीज को जोर से उठाएं, नीचे गिरा दें, तो उसका शेप और साइज क्या है चेंज हो जाएगा। अगर आप कोई चीज चला रहे हो, साइकिल या बाइक कार, ब्रेक लगाओगे तो उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप उसमें एक्सीलरेटर देते हो तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन हर एक केस में ब्रेक लगाने में भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, एक्सीलरेटर में भी क्या फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, गिराने में भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, किसी टर्निंग पर जाते हो तो आपको हैंडल मोड़ना पड़ता है तो उसमें भी क्या आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए व्हाट अ फोर्स कैन डू, फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, फोर्स कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी, फोर्स कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन एंड फोर्स कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट मोशन टू रेस्ट। मतलब फोर्स अप्लाई करने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं, उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं, उसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उसके स्पीड को घटा सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर। अब साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ फोर्स इसको हम अगले वीडियो में डिटेल से समझेंगे, तभी थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि साइंटिफिक कंसेप्ट क्या होता है। कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल करते हो और वो अगर डिस्प्लेस हुआ, उसमें एक्सेलरेशन बनता है और उसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो उसके मास, उसका जितना मास है केजी में और उसका जो एक्सेलरेशन जितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के मास और उस ऑब्जेक्ट में जितना एक्सेलरेशन होता है उसके प्रोडक्ट को हम क्या फोर्स कहते हैं। इसीलिए फोर्स का मतलब कि किसी भी बॉडी के मास और उसमें एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम फोर्स करते हैं। डिटेल्स में हम ड्राइव भी करेंगे आगे और समझाएंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स को हम न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं, मीजर करते हैं, बट फोर्स को मीजर करने के लिए नॉन एसआई यूनिट भी बना है, डाइन, ठीक है। एक न्यूटन में 10^5 डाइन होता है, 1,00,000 डाइन होता है, एक न्यूटन में 1,00,000 डाइन, ठीक है। कैसे होगा वो सब हम समझेंगे, आज मैं मेरा पहला वीडियो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, किसी भी फोर्स को आप कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहले देखिए कि स्केलर और वेक्टर, पहले तो किसी भी चीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो पहले हमको ये याद रखना पड़ेगा कि वो स्केलर है या वेक्टर है। तो फोर्स क्या है, वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रे देते हैं। रे में जो एरो बनता है वो एरो डायरेक्शन को शो करता है, और उस एरो का जो पूरा जो स्ट्रेट लाइन होता है वो उसका मैग्नीट्यूड बनता है। क्लियर। तो मान लो कि कहीं 10 न्यूटन का फोर्स है, सपोज
न्यूटन को हम एन लिखते हैं, कैपिटल एन, तो 10 न्यूटन का फोर्स है, इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच लीजिए, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का लाइन है, तो 1 सेंटीमीटर में 2 न्यूटन का फोर्स माना जाएगा। इवन कोई जरूरी नहीं है, आप 10 सेंटीमीटर का भी खींच सकते हो, 2 का भी खींच सकते हो, तो वो आप अपना स्केल कर लो। क्योंकि 10 मेरे पास जगह नहीं था, तो हमने क्या किया, छोटा ही लाइन खींचा, 5 सेंटीमीटर का मान लो, और इसमें 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 न्यूटन फोर्स को एक्सप्रेस करेगा। इसका लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर, एंड 1 cm बराबर 2 न्यूटन। इसका मतलब ये जो 5 cm का जो लेंथ है वो यहाँ 10 न्यूटन के फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है। अब क्या करना है, यहाँ एरो दे दीजिए। एरो क्या बता रहा है कि हम इस फोर्स को उस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो एरो जो होता है वेक्टर क्वांटिटी में, एरो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को, और उसका जो लेंथ होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो कितनी वेक्टर क्वांटिटी को एरो से शो करेंगे, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर है, इसलिए एरो में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जैसे मान लीजिए हम मार्कर से लिखते हैं तो हम कहीं भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कहीं पकड़ेंगे ना, तो लिखने में भी तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो हम जहां पकड़ते हैं वही फोर्स हम अप्लाई करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो फोर्स अप्लाई करने में जिस पॉइंट पर हम करते हैं वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्लियर, कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अब ये किताब है इसको उठाना है तो हम ऐसे पकड़े, तो इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ फोर्स लगाए, तो जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगाते हैं वो पॉइंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहलाएगा। क्लियर। फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो जहां से हमने फोर्स लगाना शुरू किया और जहां तक हम लगाए, तो उसमें जो उसका लेंथ बना, वो जो स्ट्रेट पोर्शन बना, उसी स्ट्रेट पोर्शन को हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर। तो आज हमने इसमें टर्म समझे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, फोर्स वेक्टर होता है, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, उसका फिर फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो में क्यों करते हैं। क्लियर। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके समझाएंगे, आप देखिए। थैंक यू।